अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 1 क्लास 9th मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6। ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, देन प्रूव डैट ए बी नॉट इज इक्वल बी ए। सॉल्व। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें गिवन है। क्या लेफ्ट हैंड साइड? ए बी। अब ए मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। फर्स्ट रो कॉलम 0 2, सेकंड कॉलम 1 और माइनस का 3। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, -3 5 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 और माइनस का 2। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमारे पास क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -5। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या बनेगा हमारे पास? 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 5 1 5, ये प्लस का 2 और माइनस का 3, जमा माइनस -2 3 6, जमा माइनस -5 3 15। नेक्स्ट 0 4 0, जमा माइनस -2 1 2, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8, जमा माइनस 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 प्लस 3 2 6। नेक्स्ट अब हम इनको सम करते हैं, 0 प्लस 5 इज इक्वल 5, -6 माइनस का 15 माइनस का 21, 0 माइनस 2 माइनस 2, 8 प्लस 6 इज इक्वल 14। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी ए। राइट हैंड साइड बी ए। अब हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? -3 5 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 और -2। नेक्स्ट अब हमारे पास ए मैट्रिक्स में गिवन है, फर्स्ट कॉलम उसका 0 2, सेकंड कॉलम 1 और -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -3। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? इज इक्वल -3 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, 0 प्लस 4 2 8, 5 0 0,
जमा माइनस, माइनस फोर, टू टू ज़ा फोर। नेक्स्ट अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री मल्टीप्लाई हुआ वन के साथ, जमा माइनस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री, जमा माइनस माइनस, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फाइव को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, फाइव वन ज़ा फाइव, जमा माइनस माइनस, माइनस को फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, सिक्स यानी कि टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया सिक्स। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इनको सम करते हैं, जीरो प्लस एट जीरो, जीरो आया। नेक्स्ट माइनस थ्री, माइनस का ट्वेल्व, माइनस का फिफ्टीन। नेक्स्ट जीरो माइनस फोर, माइनस फोर। नेक्स्ट फाइव प्लस सिक्स अलेवन। अब हमारे पास ये फाइंड हो गया बी ए जी। अब हमारे पास ए बी जो आया था वो फाइव माइनस ट्वेंटी वन, और सेकंड कॉलम इसका टू, माइनस का टू और फोर्टीन आया था। यही हमारे पास सवाल गिवन था कि ए बी नॉट इज इक्वल किसके होता है, बी ए के। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल राइट हैंड साइड के। अब हम इसी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर वन का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट इसका, ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल का ट्रांसपोज। अब हम लिखते हैं ए बी राउंडिंग ब्रैकेट ऑन। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कॉलम उसका थ्री वन, सेकंड कॉलम टू और माइनस वन। आगे नेक्स्ट बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम हमें गिवन है टू माइनस थ्री, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास फोर और माइनस का फाइव। राउंडिंग ब्रैकेट ऑफ और होल का ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस का थ्री। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम वन मल्टीप्लाई बाई फोर प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस का फाइव और होल का ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री टू ज़ा सिक्स, जमा माइनस माइनस, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, जमा माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन ज़ा थ्री। नेक्स्ट थ्री को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, जमा माइनस माइनस, फाइव टू ज़ा टेन। अब फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर वन ज़ा फोर, जमा माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फाइव वन ज़ा फाइव, होल का ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब इनको सम कर लेते हैं, सिक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल सिक्स ज़ीरो, टू प्लस थ्री फाइव, ट्वेल्व माइनस टेन इज इक्वल टू और फोर प्लस फाइव इज इक्वल नाइन, और इसका क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आएगा,
ट्रांसपोज में हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देंगे, हमारे पास क्या फाइंड हो जाता है? ट्रांसपोज अब फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में 0 2, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 और 9। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर दी ए बी होल का ट्रांसपोज। नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अब हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 -3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 और -5। अब इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा? 2 -3 4 और -5 इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारे पास फाइंड हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 और 4, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम -3 और -5। अब नेक्स्ट हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। क्या हमारे पास ए मैट्रिक्स? 3 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 2 -1। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड्स 3 1 2 -1 का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या फाइंड होगा? ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और -1। नो, अब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज हमारे पास फाइंड है 2 और 4 -3 और -5। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज भी हमने फाइंड किया है। फर्स्ट कॉलम 3 2, सेकंड कॉलम 1 और -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स 2 3 6 जमा माइनस माइनस 3 2 6। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, जमा माइनस माइनस 5 2 10। नेक्स्ट 2 1 2 जमा माइनस 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 प्लस 3 1 3। 4 1 4 जमा माइनस 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 प्लस 5 1 5। नेक्स्ट इज इक्वल 6 - 6 इज इक्वल 0, 12 - 10 इज इक्वल 2, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी यही फाइंड हुई है हमारे पास। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर टू हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।